एक जंगल में शेर खान नाम का एक शेर रहता था। शेर काफी बूढ़ा हो चुका था और उसके पैर पे गोली लग गई थी। गोली के घाव तो धीरे धीरे भर गए, पर वो लंगड़ा हो गया, जिस कारण उसे चलने फिरने और शिकार करने में बहुत दिक्कत होने लगी और वह दिन ब दिन कमजोर होने लगा। क्या करूं, एक तो ये बुढ़ापा और ऊपर से ये लंगड़ा पैर, ना चल पाता हूँ ना शिकार कर पाता हूँ। उसी जंगल में एक जग्गू नाम का चालाक लोमड़ रहता था। उसे भी शिकार बड़ी ही मुश्किल से मिलता था। शेर को देख उसे एक उपाय सूझा और वो उसके पास गया। राजा जी, आपकी ये हालत देखकर बड़ा तरस आता है मुझे और बुरा भी लगता है, जंगल का शेर होके आपकी ऐसी हालत। हाँ जग्गू लोमड़, क्या कर सकते हैं अब? आप जंगल के राजा हैं और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मुसीबत के समय में अपने राजा की मदद करना मेरा धर्म है। आपकी सहायता करने के लिए मैंने उपाय सोचा है, और अगर आप वादा करें कि आप मुझे नहीं मारेंगे, तो मैं आपके लिए हर दिन किसी ना किसी जानवर को शिकार बना के लाऊंगा। जग्गू लोमड़, तुम मेरे बुढ़ापे पे तरस खाकर मेरी मदद करने आए हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इसी बात से शेर और लोमड़ दोनों बहुत खुश हुए। अच्छा मूर्ख बनाया राजा को, अब से रोज रोज स्वादिष्ट शिकार खाने को मिलेगा। और अब से हर दिन जग्गू जंगल से किसी न किसी जानवर का शिकार करके ले आता। ऐसे दोनों का जीवन खुशी से चलने लगा। धीरे धीरे जंगल के जानवर गायब होने लगे, तो बनी नाम के खरगोश ने भांप लिया कि ये जग्गू लोमड़ की चाल है। बनी का दिमाग भी काफी तेज था। उसे भी एक मस्त तरकीब सूझी और वो बाकी जानवरों के साथ शेर खान के पास पहुंचा। राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। राजा जी, आपकी चोट देख के हमें बड़ा दुख हुआ। इसके कारण आप चल फिर भी नहीं पाते और शिकार भी नहीं कर पाते। इसीलिए हम सब जंगल वासियों ने ये फैसला किया है कि हम बारी बारी से हर दिन आपके पास आते रहेंगे और आप अपना पेट भर लीजिएगा। वाह वाह, उपाय तो अच्छा है, मेरी प्रजा कितनी अच्छी है। तभी उधर से गुड्डू नाम का पहलवान बैल बोला। राजा जी, इसके अलावा हमने आपका घाव भरने की दवा भी पता कर ली है। हाँ हाँ, बताओ बताओ। राजा जी, आपको एक लोमड़ का ताजा मांस खाना होगा, जिससे आप तुरंत सही हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज ही ये उपाय अपनाता हूँ। अगले दिन जैसे ही जग्गू लोमड़ शिकार लेकर आया, तो शेर खान शिकार छोड़ जग्गू पर टूट पड़ा और उसे मारकर उसका मांस खा गया। जग्गू के मरने की खबर से जंगल वासी काफी खुश हुए और खुशी से रहने लगे। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई जैसा करता है वैसा ही भरता है। एक जंगल में जग्गू नाम का लोमड़ रहता था। उसे चुरा चुरा कर खाना खाना बहुत पसंद था। वह बहुत झूठ भी बोलता था। रोज वह किसी न किसी जानवर को उल्लू बनाता। इसी तरह एक दिन वह खाने की तलाश में चला। मैं तो रोज रोज इस जंगल का खाना खाकर परेशान हो चुका हूँ, अब मुझे कुछ मजेदार खाना ढूंढना होगा। कुछ मीठा ढूंढता हूँ, चलो आज गन्ना खाऊंगा।
जैसे ही वह लोमड़ गन्ना खाने के लिए गन्ने के खेत पर पहुंचा। अरे वाह, यहाँ तो बहुत से ताजा और रसीले गन्ने हैं। आज मैं खूब सारे गन्ने खाऊंगा। खेतों को हिलते हुए देखकर वहां बैठे किसानों को समझ आ गया कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे देखो रामू, देखो, तुम्हारे खेत में कोई चोरी कर रहा है। अरे चोरी? कहीं ये वही लोमर तो नहीं जो पिछली बार भी गन्ने चुराकर भाग गया था? आज तो मैं उसे पकड़ कर ही दम लूंगा और बहुत मजा चखाऊंगा। चंगू अपनी जान बचाकर वहां से दूर भाग गया। अरे अरे भागो भागो, अरे भागो, यह किसान मुझे मार ही डालेगा, अरे भागो। भागते भागते वह रंगरेज के नीले रंग में डूब गया। अरे अब यह क्या हो गया? यहाँ मेरा शरीर नीले रंग का कैसे हो गया? मैं तो भूत जैसा लग रहा हूँ। अब चंगू का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। वैसे मैं अपने इस रंग से बाकी जानवरों को उल्लू बनाता हूँ और उन्हें डराता हूँ, बड़ा मजा आएगा। ये कैसा जानवर है? अरे ये कौन है, इसे तो हमने पहले कभी नहीं देखा। आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ। पर आप आए कहाँ से हैं? आपका रंग इतना नीला क्यों है? मैं यहाँ भगवान के कहने पर आया हूँ, नीले आसमान से, इसीलिए तो मेरा रंग नीला है। तो क्या आप भगवान के दूत हैं? हमारे लिए क्या संदेश लाए हैं? भगवान ने मुझे आपके राजा के रूप में भेजा है। वो चाहते हैं आप सब मेरी सेवा करें ताकि आपका भला हो। मैं सभी संकटों से आपको बचाने की ताकत लेकर आया हूँ। अब मैं आप सबका रक्षक हूँ। सभी जानवर राजा जी की जय जयकार करने लगे। राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय हो। अपने आगे पीछे सभी जानवरों को देखकर चंगू खुशी से फूला नहीं समा रहा था। जानवरों ने भी खूब उत्सव मनाया, राजा का बहुत सम्मान किया। वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छा। अचानक वहां पर बहुत सी लोमड़ियां आ गईं और राजा का स्वागत करने लगी। उन्हें देखकर चंगू बहुत खुश हुआ। चंगू इतना खुश था कि वह भी उनके साथ गाना गाने लगा और भूल गया कि उसका रंग बदल चुका है। जैसे ही सभी जानवरों ने चंगू की आवाज सुनी, वे पहचान गए कि यह तो एक लोमड़ है। अरे यह क्या, यह तो चंगू लोमड़ है। हाँ, अरे यह तो वही है। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा, यह तो हमें बहुत परेशान करता है। नहीं नहीं, गलत मत समझो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दो, छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। आज के बाद किसी को भी उल्लू नहीं बनाऊंगा, छोड़ दो। एक घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब था जिसमें एक कछुआ रहता था। उसे आसमान में पंछियों की तरह उड़ने की बड़ी इच्छा थी। हर समय वह आसमान में उड़ने की तरकीब सोचता रहता। जंगल के सभी पक्षी उसी तालाब से अपनी प्यास बुझाते थे और फिर आसमान में उड़ जाते। यह सब देख कछुए की भी बहुत इच्छा होती कि वो भी आसमान में उड़ सके। पंछी आसमान में उड़ते हुए कितने प्यारे लगते हैं, आसमान में उड़ने में कितना मजा आता।
सफेद बादल, खुला आसमान, पंखों को खोल कर उड़ना कितना मजेदार होगा ना। कछुआ उड़ने के लिए बेचैन होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उड़े। दिन प्रतिदिन कछुए की यह इच्छा बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन जब तालाब के किनारे एक गिद्ध पानी पीने पहुंचा, तो कछुए को उड़ने का एक समाधान सूझा। गिद्ध भाई, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो कछुए? आज तालाब से बाहर घूम रहे हो? हाँ गिद्ध भाई, आपसे बस कुछ बात करना चाहता था। आप तो बड़े बलवान भी हैं। क्या बात है, आज बड़ा मक्खन मार रहे हो, कुछ काम है क्या? वो मेरी एक इच्छा है जो केवल आप ही पूरा कर सकते हैं भाई। इच्छा? वो क्या है बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? गिद्ध भाई, मुझे आसमान की सैर करनी है, आप ही मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं। मैं? वो कैसे? और तुम्हारे तो पंख भी नहीं है, इसलिए तुम आसमान में नहीं उड़ सकते, समझे? अरे भाई, आप अपने बड़े बड़े पंजों में मुझे फंसा लीजिए और ऊपर आसमान में ले जाकर आसमान में छोड़ दीजिए, मैं भी उड़ने लगूंगा। धरती का नजारा देखना चाहता हूँ भाई, प्लीज मेरे लिए ऐसा करो ना। देखो तुम गलती कर रहे हो, तुम्हारे पंख नहीं है, तुम उड़ नहीं सकते, इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, समझे? कुछ नहीं होगा, मैं जैसा कहता हूँ बस आप वैसा ही करते जाइए भाई। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कछुए की इच्छा पूरी करने के लिए गिद्ध ने कछुए को अपने पंजों में फंसाकर आसमान में सैर शुरू की, और इस तरह कछुए का आसमान में उड़ने का सपना पूरा हो गया। अरे वाह, मजा आ गया, यहाँ से नजारा कितना खूबसूरत है, बादल भी हमारे कितने करीब है। बस आप थोड़ा और ऊपर जाकर अपनी पकड़ ढीली कर दीजिए गिद्ध भाई, फिर मैं भी आसमान में उड़ने लगूंगा। देखो मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूँ, इससे तुम्हारी जान जा सकती है। आप बस अपनी पकड़ ढीली कर दीजिए और बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए, घबराइए मत, फिर देखो मैं कैसे उड़ता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। गिद्ध के लाख समझाने पर भी कछुआ नहीं माना। गिद्ध ने ऊपर जाकर अपनी पकड़ ढीली कर दी और कछुआ नीचे गिरने लगा। अरे वाह, मजा आ गया, मैं भी उड़ने लगा, बहुत मजा आ रहा है। अरे अरे, ये क्या, मैं तो गिर रहा हूँ। अरे गिद्ध भाई, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। वही हुआ जो गिद्ध ने सोचा था, कछुआ बिना पंखों के भला कैसे उड़ता। अरे ये मैंने क्या किया, गिद्ध भाई ने मुझे कितना समझाया था पर मैंने उनकी एक ना मानी। हाय, वो तो अच्छा है कि मैं अपने इस कवच की वजह से बच गया, वरना आज मैं मर ही जाता। इस तरह कछुए को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने इस बार बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन आगे से ना करने की कसम उठा ली।